बिचानौर स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक बार फिर सीट वृद्धि की मांग को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई के बैनर तले जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रवेश द्वार बंद कर किए जा रहे प्रदर्शन से आवाजाही बंद रही। दोपहर करीब 1 बजे प्राचार्य आरएस देवड़ा आंदोलन कर रहे छात्रों को समझाइश देने पहुंचे। इसके बाद प्राचार्य कक्ष पहुंचे। एनएसयूआई के रितेश सागोरे ने कहा कि ऑनलाइन के नाम पर 70% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश नहीं मिला। छात्रों ने आरोप लगाया कि सीएलसी राउंड में सत्ता पक्ष के दबाव में प्राचार्य ने कम अंक लाने वालों को भी प्रवेश दे दिया। प्राचार्य ने कहा सीटें वृद्धि शासन स्तर पर की जाती है, अतिरिक्त सीटों के लिए संसाधनों की कमी भी है, फिर भी शासन को विद्यार्थियों की मांग पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। पिछले लगातार 2-3 महीनों से हम कॉलेज प्राचार्य सर को अवगत करा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे बच्चियां एडमिशन से वंचित रह गए, सीटें बढ़ाई जाए। हमें आश्वासन दिया जाता है कि आज सीट बढ़ेगी, कल सीट बढ़ेगी, परसों सीट बढ़ेगी, अभी तक कोई सीटें नहीं बढ़ी है। मेरा क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बेल्ट के बच्चे आते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वालों के एडमिशन हो रहा है। देवड़ा सर दबाव में काम कर रहे हैं, यदि जांच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। पिछले दो सप्ताह पहले हमने आवेदन निवेदन के माध्यम से सर को अवगत कराया था कि सर सीटें बढ़ाई जाए, कम से कम 500 से 700 बच्चे आज भी प्रवेश से वंचित है। एक तरफ हमारे लाडले प्यारे शिवराज मामा अपने भांजे भांजियों के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, दूसरी तरफ शिवराज मामा को कोई ध्यान नहीं है। मामा को सिर्फ घोषणा करने का बोल दो, पूरा शासन प्रशासन यहाँ से लगाकर वहां तक पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। इनको छात्रों की कोई चिंता नहीं है, बस इनको घोषणा करना है। हमने हमारे कॉलेज प्राचार्य सर को सीट बढ़ाने के लिए हाथ पैर जोड़ के भी निवेदन किया, नहीं हुआ हमारा निवेदन स्वीकार। इस कारण आज हमें गेट में बैठना पड़ा। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो यह गेट बंद रहेगा। इसके बाद यदि हमको रोड पर उतरना है तो रोड पे उतरेंगे, यदि कलेक्टर घेराव करना है तो कलेक्टर घेराव करेंगे, यदि नेशनल हाईवे बंद करना है तो नेशनल हाईवे बंद करेंगे। बाकी बच्चों के लिए एडमिशन के लिए हम हर प्रयास करेंगे। ये 60 से 70 से 80% वाले बच्चे आज भी प्रवेश से वंचित है। इनकी सीटें सरकार के दबाव में किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गई है। तो मेरा यही निवेदन है कि यहाँ पे जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, जो वास्तव में एडमिशन का हकदार है उसको एडमिशन का हक मिले। ऑनलाइन एडमिशन हो रहे, फिर फर्जी एडमिशन कैसे हो रहा? देखो ऐसा है कि ऑनलाइन तो आज पूरा प्रदेश पूरा देश चल रहा है, फिर भी फर्जीवाड़े होते रहते हैं। जैसे कि व्यापम परीक्षा ऑनलाइन होती है, उसके बाद फर्जीवाड़ा होता है, तो एडमिशन प्रवेश क्यों नहीं फर्जीवाड़ा हो सकता? सीएलसी राउंड में भी इन्होंने पहली बार मेरे 5-7 साल से अनुभव में देखने को आ रहा है कि पहली बार 7-7 राउंड हुए। जब आप 7 राउंड ले रहे हो तो सीटें तो है नहीं, सीटें 4थे राउंड में खत्म हो गई थी। आज बीए में 700 सीटें और कम से कम 1100 बच्चों का प्रवेश है। नीलेश सागोरे, एनएसयूआई कार्यकर्ता खरगोन। मैक्सिमम जगह सीटें खाली है, प्रॉब्लम जा रही है बीए फर्स्ट ईयर में। स्पेशली बीए फर्स्ट ईयर में 700 एडमिशन हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी संख्या होती है क्लास में। 40-80 का एक मैक्सिमम बड़ा सेक्शन 80 का बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर करीब 8 सेक्शन बनते हैं। तो स्टाफ वगैरह की दिक्कत, बहुत सारी समस्याएं आती है। और बीच में हमारे यहाँ 2 कॉलेज खुले हैं, वहाँ भी लोग बच्चे शिफ्ट हुए हैं, और हमने लिखा भी है कि इस तरीके की स्थिति है। तो
पिछले साल भी जो दो साल के पहले जो जो वहाँ से लिखा हुआ आता रहता था कि 25% 20% जनभागीदारी समिति संसाधन इन सब के आधार पर करने की बात होती रही है, लेकिन पिछले साल और इस साल इस तरीके की कोई बात आई नहीं है। और बच्चों की बात हमने वहाँ तक पहुँचाई भी है और हमने अभी भी बच्चों को आश्वस्त किया है कि आपकी बात हम प्रशासन तक रखते हैं, आप थोड़ा धैर्य रखें। ये अब ये मेरिट सिस्टम है, मेरिट सिस्टम में आप देख लीजिए कि बच्चे गर्ल्स कॉलेज भी नहीं जाना चाहते हैं, आप भी जानते हैं पूरी बात को कि बच्चियां गर्ल्स कॉलेज भी नहीं जाना चाहते हैं और यहीं सब सारा लोड आता है, सभी यहीं के लिए वो करते, तो थोड़ी व्यवहारिक कठिनाई तो है ही। ये सिटी के सेंटर में है तो सभी लोगों की अपेक्षाएं यहाँ के लिए रहती है। बच्चों को समझाया हमने कि ये जो गेट बंद करना ये कानून अपने हाथ में लेने वाली बात है, अपन बैठ के बात कर सकते हैं, आपकी बात शासन तक पहुँचाएंगे और इस तरीके से कोई हल निकल सकता है। अपन गेट करें बंद करें ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके अभी बच्चों से हम बात कर रहे हैं, अभी बच्चे चैम्बर में आए हैं, इनसे बात करेंगे, इनकी बात शासन तक पहुंचाएंगे। ये शासन की पॉलिसी है, पॉलिसी से मतलब मेरिट बेस पे एडमिशन होते हैं, तो भले ही इंदौर का बच्चा उसका भी यहाँ हो जाएगा या भोपाल का बच्चा यहाँ होगा, जो बच्चों से चॉइस मांगी जाती है वो बच्चा चॉइस देता है और जो मेरिट होते हैं उनका एडमिशन होता है। ये ऑनलाइन में कोई दबाव वगैरह की बात होती नहीं है, ऑनलाइन में तो मेरिट बेस अपने आप निकल के आ जाती है और एडमिशन हो जाते हैं। शुरू के तीन चार चरण में आरक्षण वगैरह सब सारी बातें थी, बाद में तो सीधे मेरिट पे होता है, तो इस तरीके की स्थिति है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।